तो फ्रेंड्स आज की वैकेंसी निकल के आ रही है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में, जहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है और ये आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट निकल के आ रहा है, फ्रेशर्स यहाँ पे एलिजिबल है और यहाँ पे सैलरी जो आपकी रहने वाली है आफ्टर सिलेक्शन वो 40,000 पर मंथ रहेगी। परमानेंट जॉब रहेगा आपका, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे अप्लाई करने का। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि इस फॉर्म पे अगर आप अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल तो हो, लेकिन आपको यहाँ पे तमिलनाडु का जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको एक पेपर जस्ट क्वालिफाइंग नेचर के लिए है लेकिन आपको देना जरूर पड़ेगा तमिलनाडु का। तो अगर इसकी नॉलेज अगर आपको है तो ही आप इस वीडियो को आगे देखें, वरना आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, जो भी इसको देखना चाहते हो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि मैं प्रॉपर नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़कर आपको समझा दूंगा और कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोग को ले जाकर दिखा दूंगा, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत यहाँ पे ना हो। वीडियो अगर काम की लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूँ और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा कि एवरीडे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। वेलकम टू अनअकैडमी गाइज। अगर आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके एस्पिरेंट्स हैं, तो आप लोग के लिए अनअकैडमी लेके आया है फ्री कॉम्बैट, जहां पे आप टेस्ट देके अपने प्रिपरेशन लेवल को चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएस और आईटी वाले, ये सभी स्ट्रीम वाले एलिजिबल है। और ये फ्री कॉम्बैट आपका होने वाला है इसी संडे 10th अप्रैल को मॉर्निंग में 11 बजे से, जहां पे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको सॉल्व करना है और 60 मिनट्स इसके लिए आपको यहां पे मिलने वाला है। इस फ्री कॉम्बैट में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप आपके पास मौका है जीतने का। इस फ्री कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको कूपन कोड अप्लाई करना है सिविल CIVIL। जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो आप इस कॉम्बैट में फ्री में एनरोल हो जाते हो। अब इसके कुछ हाइलाइट्स के हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये कॉम्बैट 2023 गेट वालों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे ही आपका ये टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होगा, उसके बाद यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा बनाए गए वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और जो यहाँ पे टॉप रैंकर्स हैं उनको 100% तक की स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिलने वाली है गेट और इंजीनियरिंग प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर। जब आप यहाँ पे रैंक 1 से लेकर रैंक 3 तक लाते हो तो आपको यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिलता है, यानी कि गेट और ESC प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अगर आप रैंक 4 से लेकर 10 तक लाते हो तो आपको यहाँ पे 75% का स्कॉलरशिप मिलेगा और रैंक 11 से लेकर 50 लाते हो तो 50% का स्कॉलरशिप मिलेगा, 51 से लेकर 100 लाते हो तो 25% का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। और ये टेस्ट जो है ये आपका बिल्कुल लाइव होने वाला है ऑल इंडिया लेवल पे और ये आप एंड्रॉयड ऐप और वेब पे हर जगह दे सकते हो। तो अभी जाइए और इसके लिए एनरोल जरूर कर लीजिए, डेट याद रखिएगा 10th अप्रैल 2022 मॉर्निंग में 11 बजे से। तो ये है तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, आप वहां से जाकर नोटिफिकेशन को डायरेक्ट पढ़ सकते हो। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन लिखा हुआ मिलता है, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जितने भी रिक्रूटमेंट है वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो सबसे ऊपर ही यहाँ पे देखिए कॉम्बाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ताकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने यहाँ पे खोल के चली है। मैंने पहले से खोल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कआउट करके यहाँ पे रखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पे जस्ट अप्लाई करना है, ठीक है, और लास्ट डेट जो रखा गया है यहाँ पे अप्लाई करने का वो है आपका 3rd May 2022। तो अच्छा खासा मौका है, आप लोग के पास टाइम है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए समझिए तभी जाके अप्लाई कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जो कि 5 साल तक वैलिड रहती है, यानी कि 5 ईयर्स तक वैलिड रहता है, ₹150। और ये एप्लीकेशन फीस नहीं है, ये आपका रजिस्ट्रेशन वन टाइम फीस है जो कि 5 साल तक वैलिड रहता है। इन 5 साल में अगर कोई भी और अदर वैकेंसीज निकल के आती है तो उसके लिए आपको सिर्फ एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ये तमिलनाडु का ऑफिशियल एक रूल है, ठीक है। तो ये ₹150 तो आपको देना पड़ेगा ही पहले। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट और वैकेंसीज वगैरह सब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो ऑटोमोबाइल इंजीनियर, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, हाईवेज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में है, उसके बाद सिविल वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट PWD, साथ में सिविल PWD हो गई, जनरल फोरमैन टेक्निकल असिस्टेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट, मैक्सिमम में सिविल इंजीनियरिंग वाले ही एलिजिबल है यहाँ पे। तो ये सब वैकेंसी निकल के आ रही है, जहाँ पे अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 37,700 से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। सिर्फ जो ऑटोमोबाइल वाला है उसमें आपका 56,100 से आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्ट होगी, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे अप्लाई करने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो आपका 3 मई 2022, और जो रिटर्न एग्जाम यहाँ पे होने वाला है वो आपका 26/6 को होगा, मतलब मई जून 26 जून को आपका यहाँ पे ये रिटर्न पेपर होने वाला है, जिसमें आपका दो पेपर रहेगा, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन आपका आपके सब्जेक्टिव जो रहेंगे, आपके इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल, सिविल से हो तो सिविल, जहाँ से भी है सब्जेक्ट से पेपर रहने वाला है। और पेपर टू में आपका यहाँ पे तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट एक होगा, उसके बाद एक जनरल स्टडीज यानी कि जीके का, इसके ऊपर आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। दोनों ही आपका 26/6 को हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था आप लोग को, जिसका तमिलनाडु की नॉलेज है वही यहाँ पे इस वीडियो को आगे देखे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 32 इयर्स रखा गया है अप्लाई करने के लिए, सिवाय ऑटोमोबाइल इंजीनियर के, इन लोग के लिए 37 इयर्स यहाँ पे एज मिल जाता है अप्लाई करने का। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो जितने भी यहाँ पे पोस्ट है सबके लिए आपका आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में डिग्री आपका होना चाहिए, यानी कि बी बीटेक आपका होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। कुछ कुछ पोस्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे देख लो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की बात करें, तो आपका मस्ट पॉजेस डिग्री तो बोला ही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसके साथ ही अगर आपने कहीं से एक साल का अप्रेंटिसशिप जॉब करके रखा है गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू, अप्रेंटिसशिप एक्ट के थ्रू, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे ये साफ साफ मेंशन किया गया है, और यही मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि आप लोग अप्रेंटिसशिप जॉब किया कीजिए, क्योंकि उस ट्रेनिंग का बहुत जगह क्या है कि आपको वैल्यू मिलता है, एज ए एक्सपीरियंस ही ट्रीट भी किया जाता है बहुत जगह। अब देखिए असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में यहाँ पे देख लो बी बीटेक वाले, एग्रीकल्चर वाले और सिविल वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है, साथ में ऑटोमोबाइल वाले भी एलिजिबल है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है, ये सभी यहाँ पे एलिजिबल है। इसके साथ ही सिविल इंजीनियरिंग वाले मैक्सिमम में आप चेक कर सकते हो, मैकेनिकल सिविल वाले ही यहाँ पे एलिजिबल है, अपने अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। और किसी किसी में यहाँ पे एक साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है, अगर वो आपने किया है तो उसको शो कीजिएगा, उससे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाला है, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पे सिलेक्ट होने के। तो आप यहाँ पे देख लो नॉलेज इन तमिल यहाँ पे मैंडेटरी बोला गया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो रजिस्ट्रेशन फीस मैंने आपको बता दिया 150 रुपीज तो पे करना ही है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इस एप्लीकेशन फीस के लिए आप एग्जामिनेशन फीस आपको 200 रुपीज पे करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। ये एग्जामिनेशन स्कीम है, यानी कि किस पेपर से कितना कितने नंबर का रहने वाला है, ठीक है। आपका टोटल 3-3 6 घंटे का पेपर रहेगा, और टोटल कितना मार्क्स रहने वाला है वो आप देख लो, 300, 150 और 60, यानी कि 510 नंबर का आपका टोटल ये एग्जाम आपका यहाँ पे रहेगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, दोनों के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाली है। ये सब वो सेंटर है जहाँ पे आपका एग्जाम ये कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। कैसे कहाँ से करना है अभी मैं आपको ले जाकर दिखा दूंगा। तो आई होप मैंने आपको ऑलमोस्ट हर चीज कवर कर दिया है। चलिए मैं आपको लेकर दिखाता हूँ कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है। तो जहाँ से आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड किया था उसी के नीचे में देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे देख लो ये तमिलनाडु के लैंग्वेज में सब लिखा हुआ है, तो इसको देख के टेंशन ना लेना, ये इंग्लिश ऊपर में क्लिक कर देना। आप इंग्लिश पे क्लिक करते ही आपका सामने ये सारा चीज आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पे इजिली अप्लाई कर पाओगे, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट या दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा। वीडियो अगर काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके लिए लाता रहता हूँ, और नोटिफिकेशन बेल को जो दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा कि एवरीडे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करेंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।